हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज ये वाला लुक करते हैं क्रिएट, जो कि है दीपिका पादुकोण का। तो सबसे पहले स्किन पे हमने टोनर अप्लाई किया, क्योंकि मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना ज़रूरी होता है। तो टोनर अप्लाई करें सबसे पहले मेकअप करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा लिया वो मॉइस्चराइज़र, और फिर उसके बाद मैं ये मार्स का प्राइमर लगा ले रही हूँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर देता है आपके स्किन को। 300 के अराउंड में ये मिलता है, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगहों पे अवेलेबल है। आप चाहो तो इसको मंगवा सकते हो। इससे आपके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ममार्थ का सीरम अप्लाई कर लूँ, और वो जो प्राइमर था मार्स का, वो दो शेड में आता है। एक आता है गोल्ड वाला और एक आता है सिल्वर वाला, तो मैंने गोल्ड वाला मंगाया है। और फिर देख लीजिए, यहाँ पे हमारा वाटर प्रूफ मेकअप हो रहा है। तो जैसे हमने सीसी क्रीम को अप्लाई किया अपने चेहरे पे, उसके बाद हमने सेटिंग स्प्रे का अप्लाई कर लिया, कि हमारा चेहरा, मतलब गर्मियों का टाइम है तो मेकअप पिघल कर निकले ना। तो आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो या सीसी क्रीम, बेबी क्रीम, जो भी यूज कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप सेटिंग स्प्रे उस पर पहले अप्लाई कर लीजिए तो अच्छा होगा इन गर्मियों में। और उसके बाद ब्लेंडिंग पे अच्छे से टाइम दीजिए। और ब्लेंडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि कॉम्पैक्ट पाउडर आप लगाओगे तो आपका मेकअप बेस तैयार हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। तैयार बोल रही हूँ, फिक्स हो जाएगा। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से हमारा मेकअप एकदम फिक्स हो जाता है, और बिल्कुल भी नहीं पसीने से निकलता। पसीने तो आते ही नहीं है ज़्यादातर। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एब्रो फिल कर ले रही हूँ, जो कि हमेशा मैं उसी से करती हूँ, अपना वेट एंड वाइल्ड वाला एब्रो फिलर से। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एब्रो फिल हो चुका है। तो एक तरफ मैंने कर लिया, और दूसरी तरफ भी इसके बाद कर लूँगी एब्रो फिल, और यहाँ पे मेरा दूसरी तरफ भी हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है फेस कॉन्टोरिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए, और ये कंटूर पैलेट मेरा न्यू है, तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी इसका यूज किया हुआ है। तो न्यू जब प्रोडक्ट कोई मंगाती हूँ मैं, तो उसको यूज करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि वो कैसा वर्क करेगा, ज़्यादा मतलब डीप वर्क देगा या बिल्कुल हल्का वर्क देगा। तो इस वर्क करेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेकर अप्लाई कर ली हूँ, और ये अच्छे से अप्लाई हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा चिन का भी वो करके दिखा रही हूँ आप सबको, कि कॉन्टोर करने के बाद सच में हमारी चिन एरिया जो है वो पतली दिखने लगती है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देख लीजिए, एक तरफ मैंने डीप किया और एक तरफ वो किया, फिर बाद में मैंने दोनों तरफ डीप कर लिया था आपको दिखाने के लिए मैंने किया। और यहाँ पर नोज कॉन्टोरिंग कर रही हूँ वही सेम पैलेट से, कॉन्टोर पैलेट से। उसके बाद इसको अपने उंगलियों से ही मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसे ब्लेंड हो जाता है बहुत ईजली उंगलियों से ही। फिर मैं क्या करने जा रही हूँ, फिर मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे आई शेडो पैलेट, ये वाला मैं ले रही हूँ रेड वाला। मुझको आई मेकअप रेड एंड वो रखना है, क्रीम कलर का रखना है, जो कि दीपिका पादुकोण का भी ये रेड एंड क्रीम कलर का ही मिलता जुलता वो है गेटअप मेकअप है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रेड ब्लाउज पहना है मैंने, तो इसलिए रेड आई मेकअप कर रही हूँ। इसी पे मैं अप्लाई करूँगी अपना ये क्रीम कलर वाला आई शेडो, तो अच्छा लगता है ये रेड एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो मैंने ब्लाउज पहनी, ये मीशो की ब्लाउज है, और बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। मतलब 400 में मुझको मिले, पर इतना सुंदर ब्लाउज है कि मैं क्या ही बताऊं। और देख लीजिए, आई मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा, कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई लाइनर भी अभी ही अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि एक तरफ मैं फिनिश कर लेती हूँ, फिर दूसरी तरफ करूँगी दूसरे आई पे। और मुझको ना गाइस बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं क्या बताऊँ कि मतलब मेरे ना दांतों में दर्द थे, तो वही दांत निकलवाने पड़े, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, तो मुझको बहुत दिक्कत होती है बात करने में। और उन्होंने बोला भी है कि ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो आप, तो देखिए ये दिक्कत धीरे धीरे ख़त्म होती है भी है या नहीं, तो देख लीजिए। और मेरा ना ये आईलाइनर ख़त्म हो चुका है, तो मैं मंगवाऊंगी दूसरा, तभी मेरे पास एक ही आईलाइनर होता है, जो कि
अब ये ख़त्म हुआ तब मैं दूसरा मंगाऊँ, और ये मेरा दोनों आई मेकअप कंप्लीट हो गया और मस्करा भी ख़त्म हो चुका है। यही एक था और वो एक आईलाइनर था और एक मस्करा था, तो दोनों ख़त्म हो गया और अभी तक मैंने ऑर्डर भी नहीं किए हैं, कर लूँगी क्योंकि मेकअप तो मतलब मेरा बिना मेकअप का वीडियो बनाए तो मुझको नहीं चलेगा, तो ऑर्डर करने वाली हूँ मैं जल्दी ही। तो यहाँ पे मैं फेक फॉल्सेस का यूज नहीं कर रही हूँ, बस मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। और देख लीजिए लोअर लैसेस पे ज़रूर लगा लीजिएगा, मतलब नीचे के पलकों पे आपको मस्करा ज़रूर अप्लाई करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल से लिप लाइनर बना रही हूँ, जो कि आजकल मुझको बहुत अच्छे लगते हैं काजल से लिप लाइनर बनाना, तो मैं इसी से बना लेती हूँ। लिप लाइनर है मेरे पास पिंक का, पर मैंने उसे नहीं बनाया, और मुझको रेड लिपस्टिक चाहिए था जो कि ये टूटा हुआ और इसको मेरे बिट्टू ने तोड़ा है। ये मैं अपने मायके से लेकर आई थी, बहुत ही सुंदर रेड कलर का लिपस्टिक था, पर मेरे बिट्टू ने उसको अपने दांतों से दबा दबा कर चिपटा कर दिया, पर मैंने फिर भी उसको ब्रश से निकाल कर अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया। और आप देख लीजिए साड़ी के साथ मैच कर रहा है ये कलर। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, उसके बाद देख लीजिए मैं ब्लश लगा रही हूँ अपने नोज पे, और नोज के साथ ही मैंने चिक्स पे भी लगा लिए स्माइल करते हुए। तो स्माइल करना नहीं भूलिएगा, जो कि मैं ही भूल जाती हूँ हमेशा, लास्ट में याद आता है अरे स्माइल करना था, तो स्माइल कर करके लगाया करो आप। उसके बाद मैं काजल भूल गई थी, तो काजल लगाना बहुत ज़रूरी था, जो कि दीपिका मैम तो और भी ज़्यादा भर भर के काजल लगाती हैं, उसको असमच करती हैं, तो मैंने यहाँ पर काजल लगा लिया है। मिलता जुलता मतलब उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये लुक क्रिएट किया हुआ है, तो दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड लुक होगा ये। और थोड़ा सा ब्रो बोन पे मैंने हाइलाइटर लगाया, देख लीजिए आप, और यहाँ पे थोड़ा सा अपर लिप्स पे, फिर यहाँ पे चीक एरिया पे भी मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है, और अपने फोरहेड पे, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर इसको सिक्योर कर लूँगी मेकअप को सेटिंग स्प्रे से। और एक्स्ट्रा जो स्प्रे सेटिंग स्प्रे आपके स्किन पे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाता है तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ऐसे डैब डैब करके कम कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये गोल्डन ज्वेलरी पहन ली, क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था इस मतलब लुक के साथ, ये ज्वेलरी बहुत अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पर झुमके पहन लिए मैंने इसी से मैचिंग, और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है ये वाला ज्वेलरी, तो आप लिंक चाहो तो मिल जाएगा। एंड मीशो से मंगाया हुआ है ये ब्लाउज, तो इसका भी लिंक मिल जाएगा, अगर आप कहोगे तो मैं लिंक डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चूड़ियाँ पहन ले रही, जो कि चूड़ी भी गोल्डन एंड रेड का कॉम्बिनेशन में है। और चूड़ी पहनने के बाद क्या करती हूँ, बिंदी लगा ले रही हूँ, जो कि दीपिका मैम हमेशा बिंदी लगाती हैं अपने माथे पर, रेड कलर का ब्लाउज है तो रेड बिंदी एंड सिंदूर। उसके बाद मेरा फुल लुक देखो और कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक।